This Lallantop video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। एबी डी विलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अब एबी डी विलियर्स क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए कभी नहीं दिखेंगे। डी विलियर्स ने फैसला अचानक लिया है। सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए संन्यास की घोषणा की और लिखा, मेरी यात्रा शानदार रही है लेकिन अब मैंने क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास लेने का फैसला किया है। घर के पीछे अपने बड़े भाइयों के साथ क्रिकेट खेलने से लेकर अब तक मैंने इस खेल को खूब मजे और ऊर्जा के साथ खेला है। अब 37 साल की उम्र में वो आग इतनी तेजी से नहीं जल रही। बस डी विलियर्स का ऐलान होना था और सोशल मीडिया पर मायूसी छा गई। एबी डी विलियर्स ने वैसे तो 4 साल पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सक्रिय थे, लगातार आईपीएल भी खेल रहे थे और उनके फैंस को तो ऐसा भी लग रहा था कि 2-3 सीजन तो वो कहीं नहीं जा रहे। खैर, एबी डी विलियर्स के संन्यास पर विराट कोहली समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली एबी डी विलियर्स के रिटायरमेंट पर काफी भावुक दिखे। कोहली ने लिखा, ये दिल दुखाने वाला फैसला है लेकिन मुझे मालूम है कि आपने खुद और अपने परिवार को देखते हुए ये फैसला लिया होगा। आई लव यू। इसके बाद एबी डी विलियर्स ने भी विराट कोहली को झट से रिप्लाई देते हुए लिखा, आई लव यू टू ब्रदर। इस कड़ी में विराट ने आगे फिर ट्वीट कर लिखा, हमारे वक्त के सबसे बेहतरीन प्लेयर और सबसे प्रेरणादायी इंसान एबी डी विलियर्स ने आरसीबी के लिए जो भी किया है उसके लिए उन्हें गर्व महसूस करना चाहिए। हमारा संबंध खेल से भी आगे है और हमेशा रहेगा। कोहली के अलावा इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज सैम बिलिंग्स ने भी एबी डी विलियर्स के लिए लिखा, मैंने अब तक जो देखा है उसमें सबसे बेस्ट, वे जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करता हूं, अपने दम पर खेल को अगले स्तर पर ले जाने वाले मिस्टर 360। वहीं अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने लिखा, जाहिर तौर पर ये मेरे और सभी गेंदबाजों के लिए राहत जैसा है। शानदार यादों के लिए मेरे जैसे कई युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे मिस्टर 360 एबी डी विलियर्स। इसके अलावा आरसीबी ने भी ट्वीट करते हुए एबी डी विलियर्स को शानदार विदाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एक युग का अंत, आपके जैसा कोई नहीं है एबी, हम आपको आरसीबी में बहुत मिस करेंगे। आपने टीम, फैंस और सामान्य रूप से क्रिकेट प्रेमियों को जो कुछ दिया है उसके लिए शुक्रिया एबी। रिटायरमेंट मुबारक हो लीजेंड। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी एबी डी विलियर्स के बड़े फैन निकले। सुंदर पिचाई ने लिखा, क्या शानदार करियर रहा है, मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक। साउथ अफ्रीकी टीम के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी ने भी एबी डी विलियर्स को शुभकामनाएं दी हैं। फाफ ने लिखा, शानदार करियर के लिए वेल डन, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारे साथ क्रिकेट फील्ड शेयर कर पाया। तुम्हारे बिना गेम पहले जैसा नहीं रह पाएगा, मैं जिन खिलाड़ियों के साथ खेला उनमें से सर्वश्रेष्ठ। बता दें, एबी डी विलियर्स मॉडर्न क्रिकेट के महान बल्लेबाज माने जाते हैं। डी विलियर्स का जलवा तीनों फॉर्मेट में खूब देखने को मिला, टेस्ट में भी बेस्ट, वनडे और T20 में क्या ही कहने। 37 साल के साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर को भारत में भी खूब प्यार मिला और एक विदेशी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि उसे किसी दूसरे मुल्क में ढेर सारे चाहने वाले मिल जाए। एबी डी विलियर्स ने 114 टेस्ट मैचों में लगभग 51 की बैटिंग एवरेज से 8,765 रन बनाए, जबकि 228 वनडे में 54 के एवरेज से 9,577 रन बनाए। वहीं 184 आईपीएल मैचों में 40 की औसत से 5,162 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 40 अर्धशतक लगाए। क्रिकेट के सुपरमैन को दुनिया हमेशा मिस करेगी। थैंक यू अब्राहम बेंजामिन डी विलियर्स। एबी डी विलियर्स उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिनकी भारत में भी गजब की फैन फॉलोइंग है। खेल से जुड़ी और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल लल्लनटॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।